जय हिंद फ्रेंड्स मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी एस ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग एस एस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एस एस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें साथ ही साथ आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सारे सवालों के आंसर जरूर कमेंट किया करें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल रिंगवॉर्म नामक बीमारी डेस के कारण होती है आंसर करेंगे रिंगवर्म बीमारी किसके कारण होता है तो आप सभी को पता होगा कि यह एक फंगल डिजीज है यानी फफुंद के कारण होने वाला बीमारी है कवक के कारण होने वाला बीमारी है रिंगवर्म तो याद रखना है कि रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है तो रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होता है यानी यह एक फंगल डिजीज है याद रखिएगा ठीक है और किस कवक के कारण होता है आपको पता है तो बताइए रिंगवर्म किस कवक के कारण होता है इंपॉर्टेंट सवाल है रिंगवम किस कवक के कारण होता है तो याद रखना है ट्राइको ट्राइकोफाइटन ट्राइकोफाइटन कवक के कारण होता है ट्राइकोफाइटन कवक के कारण होता है रिंगवम बीमारी याद रखिएगा तो पूछेगा रिंग बीमारी किस कवक से होता है तो रिंगवम बीमारी ट्राइकोफाइटन कवक से होता है याद रखेंगे ठीक है इसके अलावा कवक से कौन कौन सा बीमारी होता है तो आपको याद रखना है कि कुछ फंगल डिजीज है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ठीक है एक होता है अस्थमा अस्थमा जिसे दम्मा कहा जाता है तो अस्थमा क्या है अस्थमा या दमा जो है याद रखना है फंगल डिजीज है अस्थमा या दम्मा क्या है फंगल डिजीज है और यह किस कवक से होता है बता दीजिए अस्थमा या दमा किस कवक से होता है तो याद रखना है एस्पर जिलस एसपरजिलस फ्यूमिगेटस एस्पर जिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है किससे होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है अस्थमा या दम्मा नामक बीमारी समझ में आया तो पूछेगा किस कवक से अस्थमा नामक बीमारी होता है तो याद रखना है अस्थमा या दम्मा बीमारी जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बाल्डनेस यानी गंजापन तो गंजापन जो है किससे होता है तो कवक से होता है याद रखना है कि बाल्डनेस कवक से होता है किससे होता है कवक से होता है तो पूछेगा किस कवक से बाल्डनेस होता है तो आपको याद रखना है टीनिया कैपिटिस टीनिया कैपिटिस ठीक है याद रखना है टीनिया कैपिटिस टीनिया कैपिटिस कवक से बाल्डनेस या गंजापन नामक बीमारी होता है ठीक है तो टीनिया कैपिटिस नामक कवक से क्या होता है गंजापन नामक बीमारी होता है याद रखेंगे ठीक है इसके अलावा एथलीट फुट आप जानते हैं एथलीट फुट बीमारी किससे होता है तो याद रखना है एथलीट फुट बीमारी जो है ये भी आपका कवक से होता है यानी फंजाई से होता है समझ में आया तो एथलीट फुट बीमारी किससे होता है कवक से होता है पूछेगा किस कवक से होता है एथलीट फुट बीमारी तो पता है तो बताइए एथलीट फुट बीमारी किससे होता है या तो याद रखना है कि ट्राइको फाइटन ट्राइको फाइटन नामक कवक से ट्राइको फाइटन नामक कवक से क्या होता है एथलीट फुट नामक बीमारी होता है ठीक है समझ में आ गया तो आपको याद रखना है पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन सा बीमारी कवक से होता है इसके अलावा आपको याद रखना है खाज खाज बीमारी जो है ठीक है यह किस से होता है तो यह भी कवक से होता है तो किस कवक से खाज नामक बीमारी होता है तो याद रखना है एके रस याद रखेगा एके रस इसके बीज एके रस इसके बीज नामक कवक से क्या होता है तो ऐके रस इसके बीज नामक कवक से आपका खाज नामक बीमारी होता है ठीक है कवक से ठीक है समझ में आ गया तो आपको याद रखना है कि कवक से रिंगवॉम नामक बीमारी होता है कवक से अस्थमा बाल्डनेश रिंग एथलीट फूड और इसके बीज नामक बीमारी होता है तो क्लास को आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके अगला सवाल उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिंकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है ठीक है तो आपको दवाई का नाम बताना है कौन सा ऐसा दवा है जो सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है और उस दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है ठीक है तो आंसर करें तो देखिए याद क्या रखना है सबसे पहले मलेरिया के बारे में आपको याद रखना है ठीक है पूछेगा क्या क्या यहां से पूछ सकता है तो मलेरिया किससे होने वाला बीमारी है तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है पूछेगा किससे होता है प्रोटोजोआ से फिर पूछेगा कौन से प्रोटोजोआ से तो प्लाजोमोडियम याद रखना है प्लाजोमोडियम प्रोटोजोआ से ठीक है मलेरिया किससे होता है तो मलेरिया प्लाजोमोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है तो मलेरिया प्लाजोमोडियम प्रोटोजोआ से होता है याद रखना है और आपको पता होगा कि प्लाजोमोडियम मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर को आश्रय देता है जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है ठीक है और मलेरिया बीमारी में क्या होता है तो आपको पता होगा कि आरबीसी की संख्या घट जाती है यानी लाल रुधिरानु नष्ट हो जाते हैं और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है ठीक है तो प्लाजोमोडियम प्रोटोजोवा से मलेरिया नामक बीमारी होता है और इसका वाहक कौन है तो मादा एनाफ्लीज मच्छर याद रखेंगे अब मलेरिया के लिए कुछ दवा आता है जैसे कि कुनेन तो कुनेन क्या है मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दवा है और कुनेन दवा सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो याद रखना है कि कुनेन दवा सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा इसके अलावा यहां से आपको और भी सवाल याद रखना है कुनेन के अलावा और कौन कौन सा दवा है जो मलेरिया के लिए यूजफुल होता है तो पेलुड्रीन याद रखना है पेलुड्रीन दवा जो है मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है पेलोड्रीन दवा हो गया क्लोरोक्वीन 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 मलेरिया का दवा है क्लोरोक्वीन तो पेलोड्रीन क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन ये तीन दवा आपको याद रखना है प्रीमाक्वीन ठीक है कुनेन सब जानते हैं आप लोग कुनेन जो है मलेरिया का दवा है पेलोड्रीन क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन आपको याद रखना है ये मलेरिया का कुछ प्रमुख दवा है ठीक है समझ में आ गया तो आप याद रखिएगा कि मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना दवा का इस्तेमाल किया जाता है और आ, मलेरिया की दवा के लिए कुनेन दवा का इस्तेमाल किया जाता है और कुनेन दवा जो है सिंकोना के पेड़ से प्राप्त होता है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अगला सवाल जिस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी शार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा है सार्स तो सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ठीक है समझ में आया पूछेगा सार्स का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना है सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर ठीक है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम ठीक है यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं ठीक है तो पूछेगा सार्स का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखेगा सीवियर एक्यूट एकटरी सिंड्रोम सार्क का फुल फॉर्म होता है सार्स सार्स का फुल फॉर्म होता है बीमारी है है ठीक बीमारी और यह सार्स बीमारी किससे होता है यह आपको बताना है ठीक है तो फटाफट आंसर कीजिए सार्स किससे होने वाला बीमारी है तो याद रखना है वायरस के कारण सार्स बीमारी होता है तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम और इसका जो लक्षण होता है फ्लू से काफी ज्यादा मिलता जुलता है ठीक है और सार्स जो है वायरस के कारण होने वाला बीमारी है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना वायरल बीमारी है ठीक है SARS, तो सार्स एक वायरल बीमारी है और इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ज नॉट कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन इनमें से कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है ठीक है वाटर पॉल्यूशन से नहीं होता है कौन सा बीमारी है यहां पे वो आपको बताना है ठीक है तो आंसर कीजिएगा इनमें से कौन सा बीमारी है जो वाटर पॉल्यूशन से नहीं होता है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा अस्थमा अस्थमा या दमा जो है वाटर पॉल्यूशन से नहीं होगा ठीक है तो अस्थमा होता किससे है या दमा होता किससे है तो आप पढ़ चुके हैं कि अस्थमा या दम्मा एक संक्रामक रोग है और यह मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है तो याद रखना है कि दमा जो है कवक से होता है फंगल डिजीज है दम्मा जो है फंगल फंगल डिजीज है और दम्मा जो है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है तो दम्मा फंगल डिजीज़ है जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है फेफड़ा को प्रभावित करता है और दम्मा किस कवक से होता है तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से दमा या अस्थमा नामक बीमारी होता है बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग समझ में आया बाकी याद रखना है हैजा आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड और दस्त ये तीनों जो है गंदा पानी पीने से होता है तो पानी के प्रदूषण द्वारा कौन कौन सा बीमारी हो सकता है तो याद रखना है पानी के प्रदूषण से कॉलेरा यानी हैजा टाइफाइड और दस्त नामक बीमारी हो सकता है आपको तो याद रखना है ठीक है समझ में आया ठीक है तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसको आप याद रखिएगा आप देखिए यहां से हैजा से पूछ सकता है सवाल ठीक है हैजा से पूछ सकता है तो हैजा जो है किससे होता है आपको बता है तो बताइए है, हैजा किससे से होता है, हैजा या कोलेरा किससे होता है तो याद रखना है विवियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है किससे होता है हैजा बैक्टीरियल बीमारी है या बैक्टीरिया से होता है किस बैक्टीरिया से होता है तो विवियो कोलेरा विव्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है नामक जीवाणु से होता है हैजा तो हैजा जो है याद रखना है बिब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है ठीक है और हैजा बीमारी में क्या होता है तो जानते हैं आप लोग कि हैजा बीमारी में शरीर में जल की कमी हो जाती है और उल्टी और दस्त के साथ शरीर का बहुत सारा जल जो है निकल जाता है तो हैजा जो है याद रखना है बिब्रियो बिब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और यह गंदा पानी पीने से होता है अगला ऑप्शन ज्वर आंत्रज्वर टाइफाइड को ही कहा जाता है आंतरज्वर तो ये आपको याद रखना है कि टाइफाइड को आंत्रज्वर भी कहा जाता है और टाइफाइड आप जानते हैं कि सालमोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है है ना तो टाइफाइड क्या है बैक्टीरियल डिजीज़ है तो ये आपको याद रखना है कि टाइफाइड बैक्टीरियल बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफाइड ठीक है तो टाइफाइड जो होता है सालमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड को आंतरज्वर भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि यह आंत को प्रभावित करता है इसलिए इसे आंत रज्वल भी कहा जाता है और इसमें याद रखना है कि रोगी को बहुत ज्यादा बुखार रहता है और सिर में बहुत दर्द होता है ठीक है अब टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सा दवा दिया जाता है तो याद रखना है क्लोरोमाइसिटीन क्लोरोमाइसिटीन औषधि का उपयोग किया जाता है टाइफाइड से बचने के लिए ठीक है तो किस दवा का उपयोग किया जाता है तो क्लोरोमाइसिटीन तो याद रखना है टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटीन क्लोरोमाइसी दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो लिख लीजिएगा क्लोरो दवा का इस्तेमाल टाइफाइड के लिए किया जाता है टाइफाइड एक आंत्र ज्वर बीमारी है यानी यह आंत को प्रभावित करता है और यह एक बैक्टीरियल बीमारी है याद रखेंगे ठीक है समझ में आ गया तो याद रखना है कि कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा होता है तो हैजा आंत्र ज्वर और दस्त जो है पानी के प्रदूषण से होता है लेकिन पूछा था कौन सा नहीं होता है तो याद रखना है दम्मा जो है यह एक प्रकार का फंगल बीमारी है ठीक है तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके अगला सवाल किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी शालमोनेलोजिस का कारक है मतलब किस प्रकार का रोगाणु जो है वो जल जनु जल जनित बीमारी शालमोनेलोसिस का एक कारक है तो आंसर कीजिए कौन सा रोगाणु किसके कारण किसके कारण सालमोनेलो सीज नामक बीमारी होता है तो बैक्टीरिया के कारण होगा सिंपल सा आंसर है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया ठीक है तो याद रखना है बैक्टीरिया के कारण साल लोसिज नामक बीमारी होता तो है अब यहां से और भी सवाल आपका पूछ सकता है बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आप बताइए कि बैक्टीरिया जो है उसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है ठीक है बताइए बैक्टीरिया दे में क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है तो बैक्टीरिया यानी जिसे जीवाणु कहा जाता है तो याद रखना है कि जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है और जीवाणु यूनिसेलुलर होता है तो याद रखना है जीवाणु जो है क्लोरोफिल नहीं होता हरित लवक रहित होता है जीवाणु हरित लवक रहित होता है जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता है तो जब हरित लवक रहित होता है जीवाणु इसका मतलब जीवाणु जो होगा वो किस कैटेगरी में आएगा तो हेट्रोट्रॉपिक होगा है ना तो जीवाणु हरित लवक रहित होता है और यह यूनिसेलुलर भी हो सकता है मल्टी सेलर भी हो सकता है याद रखिएगा ठीक है लेकिन कुछ जीवाणु ऐसा होता है जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है तो ये भी आपको याद रखना है कि जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता है जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकारियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है ठीक है और बैक्टीरिया का खोज किसने किया तो आप सभी जानते हैं बताइएगा बैक्टीरिया का खोज किसने किया फादर ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी किनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको कहा जाता है तो इंपॉर्टेंट सवाल है आप जानते हैं बैक्टीरिया का जनक एंटोनियो वॉन ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है ठीक है तो याद रखना है कि ल्यूवन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी इसलिए लुवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है ठीक है तो ल्यूवेन हॉक को क्या कहा जाता है तो ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है और यहां से सवाल देखिए क्या क्या बन सकता है आपसे पूछ सकता है किनवन के बारे में सबसे पहले किसने बताया किनवन मतलब फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो लुइस पास्चर लुइस पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था आपको पता होगा तो लुई पास्चर ने लुई पास्र ने फर्मेंटेशन सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया तो लुइस पास्चर ने आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा आप जानते हैं कि पाश्चुरीकरण ने जर्म थ्योरी दिया जर्म थ्योरी किसने दिया तो लुइस पास्र ने जर्म थ्योरी भी दिया था याद रखेगा ठीक है रॉबर्ट कोच से सवाल पूछ सकता है आपसे रॉबर्ट कोच के बारे में तो आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच ने किस चीज का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने बता दीजिएगा रॉबर्ट कोच ने किस चीज का खोज किया था एंथ्रॉक्स एंथ्रैक्स रोग के बारे में किसने बताया रॉबर्ट कोच ने तो अगर पूछता है एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स के बारे में किसने बताया तो रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग के बारे में बताया ठीक है एंथ्रेक्स रोग के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था और टीबी यानी ट्यूबर क्लोसिस के बारे में भी रॉबर्ट कोच ने बताया हैजा हैजा के बारे में भी रॉबर्ट कोच ने बताया तो रॉबर्ट कोच ने गायों में या जानवरों में होने वाले एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में बताया साथ ही साथ उन्होंने तपेदिक यानी टीबी और हैजा नामक बीमारी के जीवाणु के बारे में भी बताया था याद रखेंगे ठीक है तो यहां से आपको याद रखना है आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा शालमोनेलोलोसिज नामक बीमारी जो होता है इसका कारक क्या है बैक्टीरिया होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया निम्नलिखित में से हिमोफीलिया का लक्षण क्या है तो आंसर करना है इनमें से कौन सा हिमोफीलिया का लक्षण है हीमोफीलिया का लक्षण क्या है हीमोफीलिया का लक्षण क्या है तो आप सभी जानते हैं कि हिमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है हिमोफीलिया क्या है अनुवांशिक बीमारी है याद रखना है हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है और इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है और इसमें ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम होता है याद रखना है तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता रक्त का थक्का नहीं जमता है जिसके वजह से अगर अधिक ब्लड ब्लीडिंग हो जाए तो व्यक्ति का जान जा सकता है ठीक है तो याद रखना है हीमोफीलिया में अगर व्यक्ति को चोट लगता है तो उसका जल्दी जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है यानी लगातार ब्लड जो है फ्लो करते रहता है जिसके वजह से अगर सही से उपचार नहीं किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है तो हिमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है आप याद रखिएगा अब देखिए यहाँ से और भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है हीमोफीलिया समझ में आ गया अनुवांशिक बीमारी है ठीक है अब देखिए अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा है अनुवांशिक बीमारी है ठीक है हेरिडिटी डिजीज कौन कौन सा है अनुवांशिक बीमारी वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है बताइए अनुवांशिक बीमारी है वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस ठीक है तो अनुवांशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस तो अनुवांशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस आपको याद रखना है ठीक है कलर ब्लाइंडनेस यानी सी बी तो सी बी यानी कलर ब्लाइंडनेस तो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है तो याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस जो है अनुवांशिक बीमारी है और अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होता है तो वह व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है आप याद रखिएगा ठीक है और एक चीज कौन सा ऐसा बीमारी है जिसे डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है तो यही याद रखना है कि वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टिज्म बीमारी भी कहा जाता है तो कभी कभी वर्णादता या कलर ब्लाइंडनेस न लिख के आपको वहाँ पर डाल्टुनिज्म भी लिखा हुआ रह सकता है तो आपको याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टूनिज्म डाल्टुनिज्म भी कहा जाता है ठीक है तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णादता को डाल्टुनिज्म कहा जाता है आपको याद रखना है और डाल्टूनिज्म जो है अनुवांशिक बीमारी है समझ में आया याद रखना है वर्णादता या कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टुनिज्म कहा जाता है और यह एक अनुवांशिक बीमारी है ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है हीमोफीलिया तो हेमोफीलिया भी एक अनुवांशिक बीमारी है टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्या है तो टर्नर सिंड्रोम याद रखना है अनुवांशिक बीमारी है ठीक है टर्नर सिंड्रोम क्या है तो टर्नर सिंड्रोम भी अनुवांशिक बीमारी है इसके अलावा आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या है तो डाउन सिंड्रोम भी अनुवांशिक बीमारी है ठीक है टर्नर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी इसके अलावा पटाऊ सिंड्रोम क्या है तो पटाउस सिंड्रोम भी याद रखना अनुवांशिक बीमारी है ठीक है तो पटाऊज सिंड्रोम क्या है अनुवांशिक बीमारी है ठीक है तो टर्नर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम हिमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है अनुवांशिक बीमारी है हेरिडिटी डिजीज है याद रखिएगा ठीक है तो समझ में आ गया हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है बाकी रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है अब आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है याद है तो कमेंट कर दें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है ठीक है इसके अलावा विटामिन ए की कमी से जीरोपथेलमिया नामक बीमारी भी होता है तो यह भी याद रखना है विटामिन ए और विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल ठीक है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से जिरोपथेलमिया नामक बीमारी होता है बाकी देखिए लिखा है रिकेट्स रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स है ना तो रिकेट्स पूछेगा किसकी कमी से होता है तो याद रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है ठीक है अब आपसे पूछेगा कि आ, रिकेट्स का दूसरा नाम क्या है तो अगर पता है तो बताइए रिकेट्स का दूसरा नाम क्या है तो याद रखना है रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है एग्जाम में हो सकता है रिकेट्स ना लिख के वहां पर लिखा रहेगा सूखा रोग या फिर सुखंडी रोग तो याद रखना है रिकेट्स को सूखा रोग कहा जाता है और यह विटामिन डी की कमी से होता है समझ में आया तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग आपको याद रखना है तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है याद रखेगा और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में कहाँ मिलता है तो आपको पता होगा कि विटामिन डी मछली के तेल ठीक है और मछली का जो कलेजी होता है वहां पे विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है सूरजमुखी का जो फूल होता है ठीक है या तेल होता है वहां पे भी विटामिन डी मिलता है धूप से भी विटामिन डी मिल सकता है अल्ट्रावायलेट रेज से ठीक है तो याद रखना है कि विटामिन डी या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग बीमारी होता है ठीक है और हीमोग्लोबिन की कमी से आप जानते हैं एनीमिया नामक बीमारी होता है तो आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है याद रखिएगा ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास ख्चे में आ सके निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है आंसर बताना है कि पोलियो बीमारी क्यों होता है पोलियो बीमारी क्यों होता है किससे होता है पोलियो बीमारी ठीक है पोलियो जो है किससे होने वाला बीमारी है तो आप जानते हैं कि पोलियो वायरस के कारण होने वाला बीमारी है तो पोलियो जो है वायरस के कारण होने वाला बीमारी है आपको याद रखना है तो पोलियो फिल्टरेबल वायरस से होता है किससे होता है पोलियो यहाँ लिखा है तो पोलियो का बीमारी जो है फिल्टरेबल वायर फिल्टरेबल वार... वायरस से होता है याद रखना है कि पोलियो फिल्टरेबल वायरस से होता है और पोलियो किसको प्रभावित करता है तो पोलियो जो है रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है यानी बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है ठीक है और आपको पता होगा कि जोनास साल्क जोनास साल्क ने पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था तो अगर आपसे पूछेगा साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल जो है पोलियो टीका के रूप में किया जाता है समझ में आया तो साल्क वैक्सीन कहाँ यूज़ किया जाता है तो पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए साल्क वैक्सीन लगाया जाता है बच्चों को ठीक है तो पोलियो की टीका का खोज किसने किया था तो पोलियो टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था आप याद रखिएगा इसके अलावा पूछ सकता है मुख से जो ड्रॉप दिया जाता है पोलियो ड्रॉप पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया ठीक है पोलियो ड्रॉप पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा एल्बर्ट साबिन ठीक है तो याद रखना है एल्बर्ट साबिन ने पहली बार पोलियो ड्रॉप का निर्माण किया था तो एल्बर्ट सेबिन एल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया था ठीक है एलबर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया था और पोलियो के टीका का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था आप याद रखिएगा ठीक है समझ में आया और पोलियो जो है वायरस के कारण होने वाला बीमारी है याद रखिएगा ठीक है तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके अब देखिए वायरस के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो वायरस से बहुत सारा बीमारी होता है जैसे जैसे आपसे पूछेगा डेंगू डेंगू फीवर तो डेंगू फीवर याद रखना है कि वायरस से होता है डेंगू फीवर किससे होता है वायरस से होता है अब आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है तो डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है क्या कहा जाता है हड्डी तोर बुखार याद रखना है डेंगू फीवर को हड्डी तोर बुखार कहा जाता है डेंगू फीवर को हड्डी तोर बुखार कहा जाता है ठीक है डेंगू फीवर को हड्डी तोर बुखार कहा जाता है और यह वायरस से होता है किससे होता है वायरस से होने वाला बीमारी है डेंगू फीवर याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा पोलियो पढ़ें पोलियो जो है वायरस से होने वाला बीमारी है ठीक है एनफ्लुएंजा एनफ्लुएंजा जो है वायरस से होने वाला बीमारी है चेचक वायरस से होने वाला बीमारी है छोटी माता वायरस से होने वाला बीमारी है खसरा वायरस से होता है ट्रेकोमा ट्रेकोमा आप जानते हैं आँख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा तो ट्रेकोमा बीमारी जो है आँख को प्रभावित करता है और यह भी वायरस से होने वाला बीमारी है तो ट्रेकोमा आँख को प्रभावित करता है और यह वायरस से होने वाला बीमारी है याद रखना है ठीक है इसके अलावा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस आप जानते हैं हिपेटाइटिस बीमारी जो है हिपेटाइटिस बीमारी ठीक है या फिर इसको पीलिया भी कहा जाता है तो हिपेटाइटिस या पीलिया बीमारी किसको प्रभावित करता है तो ये यकृत को प्रभावित करता है तो याद रखेंगे हिपेटाइटिस या पीलिया बीमारी किसे प्रभावित करता है तो हिपेटाइटिस या पीलिया बीमारी यकृत को प्रभावित करता है हिपेटाइटिस या पीलिया बीमारी यकृत को प्रभावित करता है और यह वायरस के द्वारा होता है याद रखिएगा ठीक है रेबीज आपसे पूछ सकता है तो रेबीज रेबीज आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है रेबीज किसे प्रभावित करता है तो रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ठीक है रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है याद रखना है और रेबीज जो है वायरस से होता है रेबडो वायरस से होता है ठीक है तो रेबीज जो है वायरस से होता है रेबडो वायरस से होता है रेबीज बीमारी और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ठीक है तो रेबीज बीमारी रेबडो वायरस से होता है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करता है तो आप जानते हैं मेनिनजाइटिस बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो याद रखना है मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करता है ब्रेन को प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस ठीक है तो मेनिनजाइटिस बीमारी ब्रेन को प्रभावित करता है याद रखिएगा जो कि एक वायरस से होने वाला बीमारी है ठीक है तो और भी बहुत सारा बीमारी है फिलहाल इतना याद रखिएगा ठीक है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अगला सवाल असंयम के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है आंसर कीजिएगा किस दवा का उपयोग असंयम के इलाज के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीब्यूटिनिन ऑप्शन नंबर बी रेनिटाइडिन ऑप्शन नंबर सी एजिथ्रोमाइसिन ऑप्शन नंबर डी लेव ठीक है तो पता है तो आंसर कीजिए किस दवा का उपयोग असंयम के इलाज में किया जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीब्यूटिन ऑक्सीब्यूटीन दवा का उपयोग असंयम के इलाज में किया जाता है ठीक है तो ऑक्सीब्यूटीन दवा का उपयोग असंयम के इलाज में किया जाता है अगला सवाल इनमें से कौन सा बीमारी वायरल बीमारी है आंसर करेंगे इनमें से कौन सा बीमारी वायरल बीमारी है ठीक है इनमें से कौन सा बीमारी वायरल बीमारी है आपको बताना है तो आप सभी जानते हैं कि पोलियो पोलियो जो होगा वायरल बीमारी है मतलब वायरस से होता ही है ये ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है कि पोलियो जो है वायरल डिजीज है यहां पे बाकी आप देख रहे हैं धनुअस्तम धनुस्तम यानी टेटनस ठीक है टेटनस किससे होता है आपको पता है बताइए टेटनस किससे होता है तो टेटनस को धनुस्तम्भ बीमारी भी कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा इसका दूसरा नाम है लॉक जॉ पूछेगा लॉक जॉ बीमारी किसे कहा जाता है तो टिटनस को ही लॉकजॉ कहा जाता है टिटनस को धनुस्तंभ भी, भी कहा जाता है, तो है टिटनस को लॉस जो भी कहा जाता है ठीक है इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है ठीक है तो याद रखना है टिटनस बीमारी को धनुष टंकार या लॉकजॉ कहा जाता है ठीक है अब याद रखना है कि टिटनस होता किससे है तो बैसिलस टिटेनी नामक बैसिलस किससे होता है बैसिलस टीटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है ठीक है बैसिलस टीटेनी बैक्टीरिया से होता है बैसिलस टीटेनी जीवाणु से धनुस्तंभ या टीटेनस नामक बीमारी होता है ठीक है समझ में आ गया और यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखना है कि इसके इससे बचने के लिए क्या किया जाता है एटीएस का इंजेक्शन लिया जाता है तो पूछेगा एटीएस का इंजेक्शन ठीक है एटीएस का इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है तो याद रखना है एटीएस का इंजेक्शन एटीएस का इंजेक्शन ठीक है फिर से लिख दे रहे हैं ए का इंजेक्शन लगाया जाता है ठीक है ए का इंजेक्शन किसके लिए लगाया जाता है ए का इंजेक्शन तो आपको याद रखना है ए का इंजेक्शन टिटनेस के लिए लगाया जाता है टिटवेक का आप जानते हैं टिटवेक का सुई लिया जाता है ना तो ये चीज़ समझ में आया अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो अगर पता है तो बता दीजिएगा ठीक है तो याद रखना है कि टिटनेस को लॉकजॉ या धनुष टंकार कहा जाता है टिटनेस नामक बीमारी बैसिलस टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है और टिटनेस से बचने के लिए टिटवैक या एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है समझ में आया तो टिटनेस से, से बचने के लिए एटीएस का वैक्सीन लगाया मतलब एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है याद रखेगा प्लेग प्लेग आप जानते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करता था एक बार एक समय में ठीक है और प्लेग जो है याद रखना है कि किससे होता था तो पास्ूरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता था ठीक है मतलब होता है तो याद रखना है प्लेग किससे होगा तो याद रखना है पास्ूरेला पास्ूरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है प्लेग जो है पाचूरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है तो प्लेग पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है अब इसका वाहक कौन है तो चूहा इसका वाहक है ठीक है तो प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है याद रखिएगा और इसका संक्रमण चूहा के द्वारा होता है चूहों पर पाया जाता है पिस्सू उसी के द्वारा ये क्या करता है अनाज वगैरह में बैक्टीरिया प्लेग का बैक्टीरिया पहुंचा देता है और बाद में ये क्या करता है लो, लोगों को प्रभावित करता है तो याद रखना है प्लेग का वाहक क्या है चूहा चूहा जो है चूहा के कारण प्लेग बीमारी हो सकता होता है ठीक है और इसका पूछेगा कौन सा जीवाणु होता है इसके लिए जिम्मेदार तो याद रखना है पाचुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण प्लेग नामक बीमारी होता है ठीक है ठीक है तो इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और यह भी याद रखना है कि क्या उपिस उपिस क्या है तो प्लेग का सबसे भयानक पिस्सु कौन सा है तो प्लेग का सबसे भयानक पिस्सु है क्या उपीस? क्योंकि यह आसानी से चूहों के द्वारा मनुष्य तक पहुंच जाता है ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है तो आपको बताना है टाइफाइड या ज्वर जो है यह किसके कारण होता है ठीक है टाइफाइड या आंत्र ज्वर किसके कारण होता है तो आप सभी जानते हैं कि टाइफाइड या आंत्र ज्वर सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है इसे आंत बुखार भी कहा आंत का बुखार भी कहा जाता है है ना तो यह किसके कारण होगा बैक्टीरिया के कारण होगा हो तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला टाइफोसा साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड नामक बीमारी होता है याद रखना है अब यहां से आपको क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है ठीक है समझ में आया बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है तो आप आंसर कीजिए बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है तो फटाफट देखिएगा टिटनेस पूछेगा तो पढ़ चुके हैं टिटनेस तो टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस किसको प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और क्लास टीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण टिटनेस नामक बीमारी होता है याद रखिएगा तो टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है इसके अलावा हैजा हैज़ा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा आँत को प्रभावित करता है हैजा बिब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है हैज़ा बिब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और आँत को प्रभावित करता है छह रोग ये इंपॉर्टेंट है छह रोग छह रोग को यक्षमा भी कहा जाता है छह रोग को यक्षमा भी कहा जाता है और इसे टीबी भी कहा जाता है तो याद रखना है छह रोग यक्षमा या टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है आप जानते ही हैं ठीक है ठीके? और यह किसको प्रभावित करता है फेफड़ा को प्रभावित करता है ठीक है फेफड़ा को प्रभावित करता है तो याद रखना है कि क्षय रोग यक्षमा या टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है और यह माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ठीक है तो क्षय रोग या यक्षमा या टीबी माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है ठीक है डिप्थीरिया डिप्थीरिया याद रखना है कि डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है डिप्थीरिया डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है और डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है और डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है ठीक है तो डिप्थीरिया क्या करता है गला को प्रभावित करता है बोल सकते हैं गला को प्रभावित करता है श्वास नली को प्रभावित करता है डिप्थीरिया ठीक है श्वास नली को डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है ठीक है डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है गले को प्रभावित करता है और यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है ठीक है काली खांसी बहुत पूछता है का... काली काली का, खांसी किससे होता है तो काली खांसी किसको प्रभावित करता है तो काली खांसी आपको याद रखना है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ठीक है और काली खांसी पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ठीक है तो काली खांसी हिमोफिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है इसमें लगातार खांसी होते रहता है यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है निमोनिया निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है निमोनिया याद रखना है निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है और निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है तो नाम में ही छिपा हुआ है तो याद रख सकते हैं निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है तो डिप्लोकोकस याद रखना है निमोनिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से होता है किससे होता है निमोनिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से होता है ठीक है ठीके? याद रखना है निमोनिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से होता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है ठीक है तो इतना सवाल याद रखिएगा समझ में आ गया तो पूछा है कि साल्मोनेला टाइफ टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड तो टाइफाइड बुखार का कारण क्या होता है बैक्टीरिया याद रखिएगा चलिए तो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है यानी हेपेटाइटिस ए बीमारी जो है एक जल जनित रोग है यह किसके कारण होता है परजीवी के कारण वायरस के कारण प्रोटोजुआ के, के कारण बैक्टीरिया के कारण यह आपको बताना है तो आप सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत को प्रभावित करता है और यह किस प्रकार का बीमारी है तो याद रखना वायरस से होने वाला बीमारी है ठीक है तो हेपेटाइटिस ए का कारण क्या होगा तो वायरस होगा याद रखिएगा ठीक है तो हेपेटाइटिस क्या करता है यकृत को प्रभावित करता है याद रखना है हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है ठीक है हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है ठीक है और यह वायरस के कारण होने वाला प्रमुख बीमारी है ठीक है वायरस का खोज किसने किया आपको पता है वायरस का खोज किसने किया पता है तो बताइए तो वायरस का खोज इवेनो वास्की ने किया है याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का, का कारण बनता है यानी हैजा जो बीमारी है कुलेरा बीमारी है यह किसके कारण होता है यह जल जनित रोग है तो यह किसके कारण होता है आपको बताना है ठीक है तो हैजा बीमारी किसके कारण होता है आंसर करेंगे ठीक है हैजा बीमारी किसके कारण होता है तो आप सभी जानते हैं कि हैजा बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है हैजा आंत को प्रभावित करता है। हैजा किसको प्रभावित करता है आंत को प्रभावित करता है और हैजा जो है बिब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है बिब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है ठीक है तो हैजा बिब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है तो याद रखना है कि हैजा आंत को प्रभावित करता है और हैजा बीमारी बिब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है और हैजा बीमारी जो है जल जनित रोग है याद रखेगा तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया ठीक है अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है पूछता है एग्जाम में प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है ठीक है तो आपको एक क्या याद रखना है मलेरिया मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है और मलेरिया बीमारी प्रभावित किसको करता है तो स्प्लिन को, तो को प्रभावित करता है यानी तिल्ली को प्रभावित करता है और आरबीसी का संख्या कम हो जाता है याद रखना है मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है जो स्प्लिन और आरबीसीज को प्रभावित करता है ठीक है स्प्लिन और आरबीसीज को प्रभावित करता है मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण होता है और मलेरिया जो है प्लाजोमोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया प्लाजोमोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है याद रखेगा बाकी आपसे पूछ सकता है पायरिया तो पायरिया जो है यह भी प्रोटोजोआ के कारण होता है तो याद रखना है कि पायरिया बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है पायरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है और पायरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है तो अमीबा हिस्टोलिटिका याद रखना है अमीबा जिंजीवेलिस माफी चाहेंगे एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है पूछेगा पायरिया किसके कारण होता है तो जिंजीवेलिस ठीक है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है याद रखना है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ के कारण ये क्या है प्रोटोजोआ है ठीक है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ से पायरिया नामक बीमारी होता है और पायरिया बीमारी मसूरों को प्रभावित करता है मसूरों से ब्लड निकलता है ठीक है इसके अलावा एक याद रखना है स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पूछेगा सोने की बीमारी किससे होता है और किसको प्रभावित करता है तो सोने की बीमारी किसको प्रभावित करता होगा शरीर का कौन सा भाग है जिसको स्लीपिंग सिकनेस प्रभावित करता है तो याद रखना है कि स्लीपिंग सिकनेस ब्रेन को प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है ठीक है तो सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है और यह ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोवा से होता है किससे होता है ट्रिपने ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है तो याद रखना है कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है याद रखिएगा ठीक है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होता है और यह ब्रेन को प्रभावित करता यह, आ, क्या पढ़ रहे हैं सोने की बीमारी हाँ सोने की बीमारी ब्रेन को प्रभावित करता है ठीक है समझ में आया एक चीज़ और याद रखना इसका वाहक कौन होता है तो सी सी फ्लाई पूछेगा कि सोने की बीमारी का वाहक कौन है ठीक है किससे होता है तो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है किसको प्रभावित करता है ब्रेन को सोने की बीमारी का वाहक कौन है तो सी सी फ्लाई ठीक है ये आपको याद रखना है सी सी फ्लाई ठीक है यानी सी सी मक्खी से क्या होता है सोने की बीमारी होता है ठीक है तो सी सी मक्खी जो है वाहक है सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है सीसी फ्लाई मक्खी और यह ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है ब्रेन को प्रभावित करता है ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पेचिस पेचिस जो है आंत को प्रभावित करता है आप जानते हैं पेचिस आंत को प्रभावित करता है ठीक है पेचिस आंत को प्रभावित करता है और पेचिस किससे होता है तो प्रोटोजोआ से होता है किस प्रोटोजोआ से होता है तो एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका ये आपको याद रखना है हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होता है एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका तो पूछेगा पेचिस किससे होता है तो पेचिस जो है एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होता है ठीक है तो पेचिस एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होता है और पेचिस आंत को प्रभावित करता है याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कालाजार मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तो कालाजार किससे होता है तो कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाला एक बीमारी है तो कालाजार जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है कालाजार बोन मेरो को प्रभावित करता है किसको प्रभावित करता है कालाजार बोन मैरो को प्रभावित करता है समझ में आया तो याद रखना है कालाजार बीमारी बोन मैरो को प्रभावित करता है और कालाजार बीमारी जो है बालू मक्खी से होता है पूछेगा आप… कालाजार कालाजार का वाहक क्या है तो बालू मक्खी ठीक है कालाजार बीमारी का वाहक है बालू मक्खी याद रखेंगे तो कालाजार बीमारी का वाहक है बालू मक्खी कालाजार बीमारी बोन मेरो को प्रभावित करता है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये बन सकता है कि कालाजार कालाजार बीमारी किस प्रोटोजोवा से होता है तो लिस्मैनिया डोनावानी प्रोटोजोवा से होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत बार पूछा जा चुका है लिसमेनिया डोनावानी आप ठीक से लिखिएगा लिसमेनिया डोनावानी प्रोटोजोवा से होता है कालाजार बीमारी समझ में आया तो याद रखना है कि कालाजार बीमारी लिसमेनिया डोनावानी प्रोटोजोवा से होता है लिसमेनिया डोनावानी प्रोटोजोवा से कौन सा बीमारी होता है कालाजार बीमारी होता है कालाजार बीमारी बोनमेरो को प्रभावित करता है और कालाजार बीमारी का वाहक है बालू मक्खी याद रखेंगे ठीक है तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो हैजा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है और हैजा जल जनित रोग है याद रखिएगा तो प्लीज क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अगला सवाल किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है आपको बताना है कि किस प्रकार का रोगजनक ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है और ई e. कोलाई बीमारी जो है ये जल जनित रोग है ठीक है समझ में आया तो आंसर कर दीजिएगा किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है तो सही आंसर क्या होगा बैक्टीरिया जो, जो है जिसके कारण ई कोलाई होता है ठीक है तो याद रखना है कि ई e. कोलाई एक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा अगला सवाल जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीज आर नॉन एज वैसे कीड़े जो बीमारी का वहन करते हैं बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जैसे अभी हम लोग पढ़ें सीसी फ्लाई मक्खी बालू मक्खी मादा एन मच्छर ठीक है ये सब क्या है तो ये सब एक प्रकार का वेक्टर है समझ में आया तो याद रखना है जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें वैक्टर के नाम से जाना जाता है ठीक है तो याद रखना है जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें वैक्टर कहा जाता है जैसे सीसी फ्लाई वैक्टर है बालू मक्खी वैक्टर है मादा एनफ्लिज वैक्टर है ठीक है मतलब वो बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है याद रखेंगे ठीक है सही आंसर क्या हो गया जो कीड़े रोग संचारित करते हैं एक जीव से दूसरे जीव में उन्हें वैक्टर कहा जाता है अगला सवाल किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोशोमियासिस का कारण बनता है आंसर करेंगे कौन सा एक पैथोजन है जिसके वजह से सिस्टोसोमियास नामक बीमारी होता है तो याद रखना है परजीवी पैरासिटिक बीमारी है सिस्टोसोमियासिस तो याद रखना है कि ऐसा बीमारी जो कि जल जनित रोग है और ये एक जल जनित रोग है ठीक है पूछ सकता है तो याद रखना है कि जल जनित रोग है सिस्टियो सो, सोमियासिस सिस्टियोसोमियासिस एक प्रकार का जल जनित रोग है जो कि परजीवी के कारण होता है पैरासाइट के कारण होता है याद रखिएगा ठीक है अगला सवाल चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने का खतरा होता है तो आंसर कीजिएगा कि चमड़े की रंगाई उद्योग में काम करने वाले कारीगर को कौन सा बीमारी होने का खतरा होता है ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी स्किन डिजीज है ना तो चमड़े की रंगाई के उद्योग में जो कारीगर काम करते हैं उनको स्किन डिजीज होने का खतरा होता है यानी उनको स्किन डिजीज ज्यादा हो सकता है तो याद रखना है कि चमड़े की रंगाई के उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को स्किन डिजीज हो सकता है या उनको होने का खतरा होता है ठीक है अगला सवाल इनमें से कौन सा फफुंद से होने वाला एक रोग है कौन सा बीमारी है जो फफूंद से होता है तो आंसर कीजिएगा इनमें से कौन सा एक फंगल डिजीज है तो फंगल डिजीज कौन है तो आप जानते हैं डर्मेटीज यानी त्वचा शोध त्वचा शोध क्या है फंगल डिजीज है ठीक है त्वचा शोध क्या है तो फंगल डिजीज है याद रखना है फंगस के कारण होता है त्वचा शोध बीमारी ठीक है समझ में आया और भी बहुत सारा फंगल डिजीज है जैसे अस्थमा है एथलीट फुट है खाज है बाल्डनेस है रिंगवम है ये सारा क्या है ये सारा फफून से होने वाला बीमारी है फंजाई से होने वाला बीमारी है तो याद रखना है कि त्वचा सोत फफून से होने वाला एक बीमारी है अगला सवाल वाट इज मायोपिया मायोपिया क्या होता है तो आंसर कीजिएगा मायोपिया क्या होता है मायोपिया क्या होता है तो फटाफट आंसर करें मायोपिया क्या होता है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता यानी दूर स्थित वस्तु को देखने में परेशानी होती है मायोपिया नामक बीमारी में तो मायोपिया बीमारी को क्या कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है तो याद रखना है मायोपिया बीमारी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है तो अगर आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक ही चीज है ठीक है तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है याद रखना है और इस ग्रोथ इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को देखने में असमर्थ होता है तो याद रखेगा मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंख से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो सही से देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है याद रखेगा अब आपको यहां से बताना है कि मायोपिया बीमारी का कारण क्या होता है फटाफट कमेंट कीजिए बीमारी का कारण क्या होता है तो मायोपिया बीमारी का कारण क्या होता है तो आप जानते हैं कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है जिसके वजह से लेंस का क्षमता बढ़ जाता है तो याद रखना है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाने के कारण और लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिसके कारण मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष नामक बीमारी होता है और इस बीमारी में प्रतिबिंब कहां पे बनता है ठीक है तो बताइए मायोपिया में प्रतिबिंब कहां बनता है इंपॉर्टेंट सवाल है निकट दोष में प्रतिबिंब कहां पे बनता है तो याद रखना है मायोपिया बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है ठीक है तो मायोपिया बीमारी में क्या हो गया वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है आपको याद रखना है समझ में आ गया तो इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है बता दीजिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है और मायोपिया बीमारी के लिए बिल्कुल सही है अवतर लेंस याद रखना अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो मायोपिया बीमारी से बचने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो याद रखिएगा मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बन जाता है और मायोपिया बीमारी से बचने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ आइज विच इज ऑल्सो नॉन एज मायोपिया आंखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं कि मायोपिया को क्या कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है ठीक है तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है बाकी ऑप्शन देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है तो याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है तो हाइपर हाइपर मेट्रोपिया बोल दे ठीक है या फिर लॉन्ग साइटेडनेस बोल दे तो एक ही चीज है हाइपर मेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है अब ये होता क्यों है और इससे व्यक्ति कैसे ग्रसित होता है तो याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है समझ में आया तो हाइपरमेट्रोपिया या या दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का तो दिखाई पड़ता है परंतु नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है अब कारण क्या होता है तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है और लेंस की गोलाई कम होने के कारण लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है जिसके कारण लेंस का क्षमता घट जाता है ठीक है अब आपसे पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया ग्रसित हाइ, हाइपर मेट्रोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को प्रतिबिंब कहां दिखता है तो याद रखना है कि प्रतिबिंब जो होगा रेटिना के पीछे दिखेगा ठीक है मायोपिया में प्रतिबिंब जो बनता था वो रेटिना के पहले बनता था और हाइपर मेट्रोपिया में प्रतिबिंब जो होगा रेटिना के बाद बनेगा ठीक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा तो बस आराम से याद होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद कब बनता है तो हाइपर मेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है और मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है समझ में आया तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम में पूछ सकता है फिर से बता रहे हैं तो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है लेंस की गोलाई कम हो जाने के कारण और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण लेंस का क्षमता जो है घट जाता है जिसके वजह से व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष नामक बीमारी हो जाता है और दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष से बचने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उत्तर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखना है हाइपर बीमारी से बचने के लिए उत्तर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है बाकी एक बीमारी होता है अबिंदुकता या एस्टिगमेटिज्म ठीक है अबिंदुकता को कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म तो याद रखना है एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता ठीक है अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म तो आपको बताना है यह बीमारी क्या होता है ठीक है तो बता दीजिए आंसर कीजिए अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है तो आपको याद रखना है कि यह दोष नेत्र के छीज और उद्वादर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है इस इसमें नेत्र क्षेत्र दिशा को तो ठीक से देख पाता है परंतु उध्व दिशा में नहीं देख पाता है या अगर नेत्र उध्व दिशा में ठीक से देख पाएगा तो छैतीस दिशा में ठीक से नहीं देख पाएगा मतलब कुल मिला के ये याद रखना है कि अभिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म आँख से रिलेटेड बीमारी है और इसमें होरिजेंटल और उद्वादर ठीक है यानी छैतीस और वर्टिकल जो होता है उसमें देखने में प्रॉब्लम होता है अगर वर्टिकल दृष्टि सही है तो आपका हॉरिजेंटल दृष्टि खराब होगा हॉरिजेंटल दृष्टि सही है तो फिर वर्टिकल दृष्टि खराब होगा याद रखेंगे ठीक है और अबिंदुकता अबिंदुकता से बचने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखना है कि बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जा किया जाता है अबिंदुकता से बचने के लिए बेलनाकार लेंस ठीक है तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता से बचने के लिए याद रखिएगा और नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है ठीक है तो ये तीनों आपको याद रखना है इसके अलावा एक और आपको याद रखना है पूछ सकता है वर्णाधता वर्णाधता यानी कलर ब्लाइंडनेस तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप जानते ही हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है और कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग के लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है याद रखिएगा ठीक है तो कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है याद रखिएगा ठीक है और जरा दृष्टि दोष आप जानते हैं जरा दृष्टि दोष भी पूछ सकता है जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है तो याद रखिएगा कि वृद्धावस्था के कारण आंख का संयोजन क्षमता घट जाता है या समाप्त हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को न तो दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है और न तो नजदीक का वस्तु सही से दिखाई पड़ता है जिसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है ठीक है तो प्रेस बायोपिया आपसे पूछेगा प्रेस तो याद रखना है कि प्रेस बायोपिया इसमें क्या होता है प्रेस बायोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो होता है इनको ना तो दूर का वस्तु सही से दिखाई देगा ना तो नजदीक का वस्तु सही से दिखाई देगा और यह जनरली वृद्धावस्था में होता है और इस रोग से बचने के लिए बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो बायो लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ना तो नजदीक का दिखता है ना तो दूर का दिखता है इसलिए बायो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है लेंस का उपयोग किया जाता है प्रेस बायोपिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं समझ में आ गया कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग क्लास में आ सकें अगला सवाल मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करता है तो मायोपिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो आप जानते हैं कि मायोपिया आंख को प्रभावित करता है मायोपिया आंख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा ट्रेकोमा भी आंख को प्रभावित करता है हाइपरमेट्रोपिया आंख को प्रभावित करता है प्रेस बायोपिया आंख को प्रभावित करता है एस्टिग्मेटिज्म आंख को प्रभावित करता है कलर ब्लाइंडनेस आंख को प्रभावित करता है समझ में आया तो ये सब पूछ सकता है आप याद रखिएगा ठीक है तो मायोपिया आंख को प्रभावित करता है याद रखेंगे इतना ही सवाल था ठीक है तो उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में अगर आपको परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और क्लास में रेगुलर रहिएगा ठीक है तो उम्मीद करेंगे क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट करेंगे आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जय हिंद जय भारत जय बी धन्यवाद